हेलो गाइज, आई एम सोमोजी। स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे चैनल में। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं रियलमी का सॉफ्टवेयर अपडेट पेज में हूं, और जहां पे मैं आज आपको बताऊंगा रियलमी X2 एंड रियलमी X2 प्रो का जनवरी के अपडेट के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रियलमी X2 के अपडेट के बारे में। तो रियलमी X2 का जो मेन अपडेट है वो बेसिकली OTA अपडेट तो आ ही जाएगा, पर मेरे डिवाइस में मेरे पास जो रियलमी X2 है आप सभी लोगों को पता है, पर वहाँ पर मुझे अपडेट अभी भी नहीं मिला है। और इसका जो वर्जन नंबर आएगा आप लोगों के पास वो आएगा 11.8.17 जो कि आप देख पा रहे हैं, और मेरे पास 11.8.16 है। और उसके साथ इसका जो रिलीज टाइम है वो 3 तारीख को है, और इसका साइज अगर आप इसको मैनुअली डाउनलोड करते हैं तो इसका साइज हो जाएगा 2.55 GB। अगर अपडेट लॉक की बात करते हैं तो अपडेट लॉक के अंदर आपको एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा दिसंबर 2019 की। तो यहाँ पे आप इसको दिसंबर का पैच भी बोल सकते हैं। ऑडियो के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज वॉइस कॉल क्वालिटी ऑफ द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक यहाँ पे व्हाट्सएप में जो वॉइस कॉल क्वालिटी होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद थीम स्टोर में क्या चेंजेस है, यहाँ पे थीम स्टोर में अपडेट फॉन्ट सपोर्टिंग इन थीम स्टोर। पर पहले आप लोगों को पता है कि मेरे रियलमी X2 में थीम स्टोर में फॉन्ट सपोर्ट था। कैमरा में क्या चेंजेस है, ऑप्टिमाइज नाइटस्केप क्वालिटी फॉन्ट कैमरा। ये अपडेट आने के बाद जब भी मेरे डिवाइस में अपडेट आ जाएगा तब मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसा चेंजेस हुआ है नाइटस्केप क्वालिटी में। और उसके बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सेंटर में क्या चेंजेस है, एडेड डार्क मोड फास्ट टॉगल स्विच, पर मेरे रियलमी X2 डिवाइस में ये पहले से ही है। और उसके बाद यहाँ पे एडेड पर्सनल हॉटस्पॉट डेटा कंज्यूम डिस्प्ले, ये काफ़ी अच्छी बात है। और पावर कंजम्पशन में स्टैंड बाई पावर कंजम्पशन इन पर्सनल सिनेरियो। हाँ, रियलमी X2 का जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी तगड़ा है, पर कुछ कुछ क्षेत्रों में ये थोड़ा बहुत लैग कर जाता है। अब नोन इशू फिक्स के अंदर क्या फिक्स है, फिक्स द इशू ऑफ लो साउंड व्हेन कनेक्शन टू एयरपॉड हेडसेट। एयरपॉड हेडसेट जब आप यानी यूज़ करेंगे यानी उसको प्लग इन करेंगे तब लो साउंड कभी कभी सुनाई देता है, तो उसका जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा। उसके बाद है फिक्स द प्रॉब्लम दैट द बैकग्राउंड ऑफ द व्हाट्सएप एप्लीकेशन डायलॉग इज नॉट क्लियर इन द डार्क मोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी को व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करते हैं तो तब आपका खुद का मैसेज आपको ही दिखाई नहीं देता, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन रियलमी X2 में हो जाएगा। और उसके बाद फिक्स द इशू ऑफ कैमरा एक्सपोजर इन सम सिनेरियोस, और कैमरा एक्सपोजर का थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। तो ये है भाई रियलमी X2 का अपडेट, जहां पे आपको काफी अच्छा अपडेट देखने को मिला है और जिसका टोटल साइज 2.55 GB है। तो अगर आप चाहते हैं रियलमी X2 को मैनुअली अपडेट करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं रियलमी X2 प्रो की, जो कि अपने आप में काफी अमेजिंग डिवाइस है। और यहां पे जो इसका बिल्डर वर्सन है वो है 11.8.08, और 11.8.08 इसका बिल्डर नंबर है। इसका जो जो अपडेट लॉग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर अपडेट जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है 3.07 GB। और अपडेट लॉग मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या कुछ चेंजेस है यहाँ पे। एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2019 के हिसाब से है। और लॉन्चर में क्या चेंजेस है, एडेड क्लिक द ब्लैंक एरिया टू ग्लो बैक द रिसेंट टास्क इंटरफेस। आप लोगों को पता है ये रियलमी U11 सभी में आ चुका है, पर पता नहीं ये एक्चुअल में क्या सब फीचर्स है। एडेड फास्ट स्विच टॉगल्स ऑन द डार्क मोड नोटिफिकेशन सेंटर, बाकी डिवाइस में भी है। एडेड फ्लैश ऑन कॉल फीचर्स, और एडेड HDR फीचर्स ऑन वीडियो मोड ऑन नोन इशू फिक्स्ड। और इस नोन इशू फिक्स के अंदर क्या कुछ है, फिक्स द पार्शियल इशू ऑफ इंप्रूवमेंट स्टेबिलिटी तो यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट रियलमी X2 प्रो को भेजा गया है। तो भाई ये अपडेट थी रियलमी X2 एंड X2 प्रो की। मेरे पास रियलमी X2 है, अपडेट आने के बाद OTA अपडेट आने के बाद मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा रियलमी X2 में क्या कुछ चेंजेस है। तब तक आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, रियलमी के बारे में हर एक न्यूज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को शुरू से फॉलो करते रहना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपके पास रियलमी X2 एंड X2 प्रो में किसी का भी अपडेट आया कि नहीं, ज़रूर मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा।